बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस क्लास 1 की बुक टीच करूँगी। टुडेज चैप्टर इज माई बॉडी। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स, आज हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नेम को लर्न करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से उन डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं और सबका एक एक फंक्शन होता है। तो आज हम डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के नेम याद करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यूनिट 1, माय बॉडी। व्हेन यू लुक इन अ मिरर, यू सी योर बॉडी। जब आप मिरर में देखते हैं, मतलब शीशे में, आईने में देखते हैं, तो आपको अपनी बॉडी नज़र आती है। योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। आपकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनती है। ईच पार्ट हैज़ अ जॉब टू डू। हर पार्ट जो है वो कोई ना कोई काम कर रहा होता है। Each part of your body has a name. आपके तमाम parts के कोई ना कोई name होता है। जैसे कि ये एक boy है और इसके different body parts के name यहाँ पर मौजूद हैं। First is eye, second nose, teeth, chest. This is the chest area. Chest, arm, hand, फिंगर, दीज आर फिंगर्स। नी, नी मीन घुटना। लेग, फुट, ईयर, माउथ, शोल्डर एंड लास्ट वन इज टो। ओके, दीज आर नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, हु आर वी? हम कौन हैं? हु आर वी, हम कौन हैं? हम क्या हैं? इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज आर ऑल ह्यूमन बींग्स। बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बेबीज, ये सब क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। ये सब इंसान में आते हैं, ठीक है। आवर बॉडीज work in the same way but we all look different। देखिए, हमारी तमाम इंसानों की जो बॉडीज़ होती हैं वो सब क्या है कि उनके जो बॉडीज़ के जो पार्ट होते हैं वो सेम फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम का, क्योंकि हम सबके पास क्या है, ईयर भी मौजूद है, आई भी है, लेग, आर्म, हैंड, सब कुछ है, लेकिन हम एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखें कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं सबके पास आइज़ भी हैं, नोज़, माउथ, हैंड, लिप्स, लेग वगैरह, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे हैं? ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये करना है कि जो चीज़ मैंने आपको रीड करवाई है, एक्सप्लेन की है, वो आपने रीड करनी है और अपने पेरेंट्स और अपने जो बहन भाई हैं उनसे आपने हेल्प लेनी है ड्यूरिंग रीडिंग। ओके,